हाय गाइस, आई एम शंकर शेफ नूरिश के साथ। आज बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर रेस्टोरेंट स्टाइल क्रिस्पी कॉर्न रेसिपी। बहुत ही आसान तरीके से आप घर पे रेसिपी को ट्राई कर सकते हो। बहुत ही यूनिक है, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। अभी देख ही सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा कॉर्न लिया और एक ओनियन चॉप, 2 से 4 टेबल स्पून गार्लिक चॉप और 2 टेबल स्पून जिंजर चॉप किया। यहाँ पे साथ ही साथ देख ही सकते हो आप, एक बोल में 2 करीब कॉर्नफ्लावर पाउडर, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर पाउडर और थोड़ा सा स्वाद अनुसार सॉल्ट यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ और 1 टीस्पून करीब मैदा इस्तेमाल करना चाहिए। मैदा इस्तेमाल करके अच्छे से आपको मिक्स कर लेना चाहिए, इसी तरफ से मिक्स कर लेना चाहिए। और यहाँ पे थोड़ा सा आपको पानी का, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ज़्यादा करके तो पता हो जाएगा। थोड़ा सा पानी इस्तेमाल करना चाहिए यहाँ पे और पानी इस्तेमाल करने के बाद अच्छे से उसको मिला लीजिए। इसी तरफ से आप देख ही सकते हो, फॉलो करो मुझे और इसी तरफ से आपको करीब लेना और ये ध्यान रहे इसको 2 से 5 मिनट तक डीप फ्राई करना है। करीब इसी तरफ से आप एक ही साथ में डाल सकते हो कॉर्न को डाल के थोड़ा सा ज़्यादा फायर भी नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा स्लो फायर इस्तेमाल करना चाहिए यहाँ पे। और इसी तरफ से आपको 5 से 6 मिनट तक उसको फ्राई करना चाहिए। देख सकते हो अभी गोल्डन कलर हो जाएगा मस्त करके, अभी देख ही सकते हो। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना, संग सबको सपोर्ट करना। बहुत ही आसान तरीके से आप घर पे बना सकते हो क्रिस्पी कॉर्न। बहुत ही यूनिक से रेसिपी। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट का थ्रू पे मेरा रेसिपी को कैसा लगा आपको मुझे कमेंट का थ्रू पे बताना है। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, रिक्वेस्ट करो आप लोगों को। यहाँ पे 2 टेबल स्पून करीब ऑयल, यहाँ पे हम लोग क्रिस्पी कॉर्न का क्या बना रहा है, सॉस बना रहा है। और गार्लिक चॉप 2 से 3 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून जिंजर चॉप और 1 ऑनियन चॉप, इसको अच्छे से डाल के, तीनों चीज़ अच्छे से डाल के उसको हम लोग सौतेई कर लेंगे, ब्राउन कर लेंगे। करीब इसी तरफ से 1 मिनट करीब तक आपको सौतेई कर लेना चाहिए इसी तरफ से। प्लीज़ गाइस रिक्वेस्ट करो, एक सब्सक्राइब करने से और एक वीडियो शेयर करने से अब किया जाता है, थोड़ा सा डाटा खत्म, थोड़ा सपोर्ट करो, रिक्वेस्ट करो आप लोग को। फिलहाल इसी तरफ से आपको सौतेई करना चाहिए। यहाँ पर 1 टेबल स्पून करीब ग्रीन चिली सॉस, यहाँ से देख ही सकते हो, केचप, टमाटर केचप 1 टीस्पून जैसा, और उसको डाल के अच्छे से मिला सकते हो। बहुत ही अरे स्लो फायर करके आपको अच्छे से उसको मिलाना चाहिए, सॉस ना चले, ठीक है। और यहाँ पे रेड चिली सॉस यहाँ पे इस्तेमाल किया। अभी आप स्वीट चिली सॉस भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो थोड़ा सा तो मैंने लाइट सोया सॉस इस्तेमाल किया। यहाँ पे देख ही सकते हो, और तीनों चीज़ चारों चीज़ डाल के अच्छे से मिला लेंगे और यहाँ पे स्वाद अनुसार भी सॉल्ट इस्तेमाल करेंगे। सॉल्ट इम्पॉर्टेंट होता है, सॉल्ट आप स्वाद अनुसार अगर कम डालना है तो सॉल्ट कम डाल सकते हो, फिर आप दोबारा सॉस को टेस्ट करके आप डाल ही सकते हो। और थोड़ा सा हम क्रश ब्लैक पेपर यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है, देख ही सकते हो। अभी देखो यहाँ पे हम लोग करीब थोड़ा सा स्वाद अनुसार यहाँ पे हम लोग सॉल्ट का इस्तेमाल किया, देख ही सकते हो सॉस तैयार हो गया। अभी जो क्रिस्पी कॉर्न हम लोग फ्राई कर डिप वो भी ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आपको अच्छे से मिला लेना चाहिए, सॉस के साथ पूरा कॉर्न मिलना चाहिए इसी तरफ से, देख ही सकते हो। ओहो, अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब, संग सबको सपोर्ट करना इसी तरफ से मजा रेसिपी, और फॉलो करो संग सबको। और तब तक मिलेंगे, बहुत ही इजाज़त दीजिए और रिक्वेस्ट करना प्लीज़ गाइस, मेरा कोई नया व्यूज़र आए तो सबको स्वागत है संग सबका चैनल पे, थोड़ा सब्सक्राइब लाइक और कमेंट शेयर जरूर करना।